जय महाकाली। वनस्पति तंत्र में पेड़ पौधों के ऐसे ऐसे दिव्य उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपनी विकट समस्या को दूर कर अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे किसी के जीवन में धन, वैभव, मकान, नौकरी या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी है, तो वह वनस्पति तंत्र में बताए गए पीपल तथा बरगद के इन दिव्य उपायों को कर लाभ उठा सकता है। शिव महापुराण और भागवत पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति पीपल, बरगद या अन्य किसी फलदार पौधे को लगाता है, वह उस पौधे के द्वारा अपने पूर्वजों का उद्धार करता है तथा अपने जीवन को भी सुखमय बनाता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय हमें अपनी भूल का एहसास अवश्य ही हुआ था और हमें पेड़ पौधों की महत्वता का ज्ञान भी हुआ था। ये ना केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि हमें अन्न, धन सब प्रदान करते हैं और नाना प्रकार के सुख इनसे प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं पीपल तथा बरगद के ऐसे ऐसे दिव्य उपाय जिनको कर आप तत्क्षण अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकते हो और सभी प्रकार के संकटों का निवारण करने में सक्षम हो सकते हो स्वयं। पीपल के दिव्य उपाय। पीपल की महत्वता तो सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। आप शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का दीपक जलाएं। ये दीपक सूर्य उदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद ही जलाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यदि आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और साथ में शनि जनित सभी दोष भी दूर होते हैं और भगवती आदि शक्ति महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। कर्ज उतारने के लिए एक पान का पत्ता लें तथा थोड़ी सी फटकरी लें और थोड़ा सा सिंदूर लें। पान के पत्ते में फटकरी रखें और सिंदूर डाल दें। फिर पान के पत्ते पर कलावा, जिसे नाल व खमनी भी बोलते हैं, लपेट दें 7 बार। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे रख दें तथा अपने कर्ज उतारने के लिए पीपल के वृक्ष से तथा महालक्ष्मी से प्रार्थना करें और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं और गाय को हरा चारा डालें। दीन दुखी की सहायता कर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें और ये प्रयोग करने से आपका करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि पीपल में देवता, प्रेत तथा योगनियां, वैताल, डांकनी, यक्षिणी आदि होते हैं। इसीलिए पीपल के वृक्ष की महत्वता अधिक बताई गई है। साधक लोग पीपल की छाँव में बैठकर साधना करते हैं। पीपल के पेड़ पर नित्य एक लोटा जल चढ़ाते रहें। इससे जो भी दिव्य शक्ति उसमें वास करती होगी वह निश्चय ही आपके सामने प्रकट होगी और उससे आप अपना मनोवांछित कार्य सिद्ध करवा सकते हो। पीपल की सेवा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। शनिवार के दिन व अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्टील के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, शुद्ध जल और थोड़ा सा गाय का दूध डालकर उसमें थोड़ी सी शक्कर और चुटकी काले तिल डालकर यदि आप पीपल की जड़ में चढ़ाते हो तो इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे शिव की प्रतिमा स्थापित करें, नित्य उस पर जल चढ़ाएं, पूजा आराधना करें। कम से कम 5 या 11 माला भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। कुछ दिन
नियम बनाकर जे साधना करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रतिमा को धूप दीप सुबह शाम करें। दिन में चंदन पुष्प चावल आदि का प्रयोग करें। पीपल के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से बैठकर हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, एकांत शयन, ब्रह्मचारी तथा साधनावत सभी नियमों का पालन करते हुए यदि आप ओम श्री हनुमंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए साधना को संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। बरगद के दिव्य उपाय। बरगद वृक्ष को संसार रूपी वृक्ष कहा जाता है। धन प्राप्ति के लिए बरगद का प्रयोग। बरगद के फलों को पक्षी बड़े ही चाव से खाते हैं और जब वह किसी अन्य पौधे पर जाकर बैठते हैं, किसी पेड़ पर जाकर बैठते हैं, तो वह जब बीट करते हैं तो वहाँ पर एक नया बरगद का पौधा उत्पन्न हो जाता है जिसे तंत्र शास्त्र में बहुत ही उपयोगी माना गया है। तंत्र शास्त्र में ऐसे पौधे को बंदा कहा जाता है। यदि आपको किसी पेड़ के ऊपर बरगद का बंदा दिखाई दे तो आप रवि पुष्प नक्षत्र में उसे न्योता देकर अपने घर ले आएं और लाल कपड़े में बांधकर विधिवत पूजन आदि कर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। नित्य प्रति धन की वृद्धि होती रहेगी। जिस घर में बरगद का बंदा होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। वट सवित्री के व्रत के दिन मन ही मन अपनी मनोकामना कहते हुए वट वृक्ष की पूजा करें और उसके चारों ओर सूत लपेट दें। किसी भी शनिवार को बरगद पर हल्दी केसर चढ़ाने से व्यापार में अपार वृद्धि होती है, व्यापार में तरक्की होती है। अगर घर में कोई ऊपरी हवा की बाधा हो तो अमावस्या पर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर पूरे घर में से घुमाते हुए बरगद के वृक्ष पर जाकर टांग दें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। रोज शाम को बरगद के नीचे देसी गाय का शुद्ध घी का दीपक लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी भी मंगलवार को बरगद के 11 पत्ते तोड़कर साफ पानी से धो लें, उस पर केसर से श्री राम लिखकर एक माला बनाएं। ये माला हनुमान जी को अर्पित कर दें, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और संकट मोचन की कृपा से संकट भी दूर होंगे। बरगद वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित कर उसकी नित्य प्रति पूजा करने से सुख समृद्धि की अपार वृद्धि होती है और सुखों की कोई कमी नहीं रहती। बरगद या पीपल के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं और सभी प्रकार के भयों से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति का रोग लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा तो तकिए के नीचे बरगद की जड़ रखें, स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनिवार को बरगद के पेड़ के नीचे 5 सुपारी और 1 सिक्का रख दें, निश्चय ही व्यापार में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। बरगद के पेड़ की टहनी घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में बरगद के पेड़ की टहनी होती है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही बरगद की टहनी को कार्यालय में अपने व्यापार स्थल में रखने से ये नित्य प्रति धन को आकर्षित करती है और ग्राहक बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। बरगद के पेड़ पर सफ़ेद सूत के धागे को 11 बार बांधें, जल अर्पित करें, इससे जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश होता है। शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और बरगद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जहां सुख संपत्ति में वृद्धि होती है वहां संकट तथा बाधाएं भी दूर होती हैं। यदि आप ग्रह क्लेश से परेशान हैं तो बरगद की जड़ में
कपूर और लौंग जला दें। ऐसा करने से निश्चय ही ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है। तो ये थे वनस्पति तंत्र के अंतर्गत बताए गए बरगद तथा पीपल के ऐसे दिव्य उपाय जिनको कर आप संकट मुक्त जीवन जी सकते।